हम रोजगार के हिसाब से नहीं। क्या बोलूं, मुझे असल में देखिए क्या एक और बता दूं, मैं कतराता हूं संवाद बोलने में ऐसे लाइव मंच से, क्योंकि जब हम फिल्मों में बोलते हैं तो उसके पीछे कैमरामैन है, साउंड वाले हैं, एडिटर हैं, बैकग्राउंड स्कोर वाले हैं, तो हम अभिनेता दिखते हैं लेकिन हमको वैसा दिखाने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। तो मैं यहाँ बोलूँगा तो उनके योगदान को कमतर कर दूंगा, ये वो प्रभाव पैदा नहीं होगा जो मन वहाँ होता है फिल्मों में पर्दे पर। गुंजन सक्सेना का एक संवाद था, मुझे याद आ रहा है कि खीर वाला है, यस खीर वाला है। खीर वाला मुझे याद आ गया, बहुत अच्छा है, वरुण ने वो लाइन लिखी थी और विनोद कुमार शुक्ल एक बहुत ही मेरे पसंदीदा लेखक हैं, उनकी किताब है दीवार में खिड़की रहती है और उससे प्रभावित था वो चरित्र मसान का। मेरे ख्याल से यहाँ आप लोग विनोद कुमार शुक्ल और श्रीलाल शुक्ल को पढ़े हुए बहुत लोग बैठे होंगे, राग दरबारी तो सबने पढ़ी होगी, हाँ नहीं पढ़ी है तो राग दरबारी एक हिंदी उपन्यास से व्यंग का जरूर पढ़ें, श्रीलाल शुक्ल जी लिखे थे, वो भी प्रशासनिक सेवा में थे। तो हाँ खीर वाला संवाद है, वरुण का ने लिखी थी कि जो खीर नहीं खाया वो मनुष्य योनि में पैदा होने का पूर्णतः फायदा नहीं उठाया। तो वो दूसरी महिला पात्र पूछती हैं कि आप अकेले रहते हैं, तो नहीं मैं पिताजी के साथ रहता हूँ, पिताजी अकेले रहते हैं। ये हिंदी का मारक प्रभाव है कि जिसमें हंसी भी है और वेदना भी है एक लाइन में, कि आप अकेले रहते हैं, नहीं मैं पिताजी के साथ रहता हूँ, पिताजी अकेले रहते हैं। इसमें हंसी भी है और इसमें वेदना भी है अगर आप ढूंढेंगे तो। ये है भाषाओं का प्रभाव और हिंदी का प्रभाव। धन्यवाद।